Kaunte api ye bhakta anya devta? O son of Kunti, even the devotees of other deities. Yajante anvitaha shraddhya. Who perform service of yajna being filled with faith. Te api avidhipurvakam. Those two, devoid of rules and regulations Gita. Yajanti mam ev. Perform the service of yajna my very. Kaunte api ye bhakta anya devta? Yajante anvitaha shraddhya. Te api avidhipurvakam. Yajanti mam ev. Interpretation. O son of Kunti, the one who is, Kuntyati daryati deham, the destroyer of body consciousness. Even the devotees of some other male deities and female deities like Brahma, Vishnu, Lakshmi and Narayan, bound in celestial degrees etc., apart from Shiv Baba, who performs service of yajna being filled with faith, those weak devotees too, who perform service of Rudra's yajna devoid of rules and regulations mentioned in the true advanced Gita, perform the service of yajna of my very Jyotirling, that is the form of light, the bodiless form that has become a Vyaktamurt. तो देह रूपेणी वो धरणी माता जिसे कहते हैं पृथ्वी माता. सो दैट मदर लैंड इज इन द फॉर्म ऑफ द बॉडी शी इज कॉल्ड एज द मदर अर्थ. और आत्मिक रूप में जिसे महाभारत में क्या नाम दिया है. एंड द वन हु इज इन द सोल कॉन्शियस फॉर्म व्हाट इज शी नेम्ड इन द महाभारत. कुंती. कुंती क्या. व्हाट कुंती का अर्थ क्या है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कुंती. कुंत. कुंत कहते हैं जो देहवान को फाड़ के रख दे उसको कहते हैं कुंत. कुंत द वन हु टेयर्स अपार्ट दैट इज डिस्ट्रॉयज बॉडी कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड एज कुंत. यस. देहम धारयति. देहम धारयति उसको कहते हैं कुंत. और वो स्त्री चोले में है तो वही कुंती. इट इज कॉल्ड एज कुंत. And when she is in a female body, she is Kunti. कैसा पार्ट बजा रहा है महाभारत में. कैसा दिखाते हैं. What kind of part did she play in the Mahabharat? How is she shown? द्रौपदी के रूप में पार्ट बजाया कि भाई हमें तो साथ ही रहना है देहधारियों के. Did she play the part in the form of Draupadi saying, brother, I certainly have to stay with the bodily beings? और कुंती ने कैसा पार्ट बजाया. And what kind of part did Kunti play? अरे भले अपने पेट से पैदा हुए बच्चे हैं, मैं उनको पालना भी दी है जिंदगी में, प्यार भी बहुत दिया है, लेकिन फिर भी अपने कुल की कहानी बचानी है. She thought, अरे दो दे that is the Pandavas are the children born through my womb, I have sustained them throughout the life and I have given a lot of love too. Still, I have to protect the honor of my clan. ससुर घर का नाम बाला करना है या नहीं करना है. Should she make the father-in-law's family famous or not? है कि छोड़ के चला जाना है तो कुल की कहानी बचाती है. Or should she leave it and go away? So she protects the honor of the clan. तब तक कुल में रहती है जब तक दोनों कुल पांडव कुल और कौरव को दोनों मिलकर के एक न हो. She stays in the same clan until both the clans, that is the Pandav clan and the Kaurav clan, unite and become one. शिव की इंद्रियों वाली मूर्ति नहीं बनाते. They don't make the idols of Shiv with इंद्रिया. अव्यक्त मूर्ति बनाते हैं इसमें हाथ पांव नाक आंख कान अव्यक्त रूप में हैं. दे मेक एन अव्यक्त मूर्ति इन विच द हैंड्स लेग्स नोज आईज एंड ईयर्स आर इन द अव्यक्त फॉर्म. व्यक्त रूप में इन आँखों से कोई नहीं देख सकता. नो वन कैन सी देम इन द व्यक्त दैट इज फिजिकल फॉर्म थ्रू दीज फिजिकल आईज. ज्ञान के तीसरे नेत्र से कोई समझ सकता है. समवन कैन अंडरस्टैंड इट थ्रू द थर्ड आई ऑफ नॉलेज. क्या आत्मा की ऐसी भी कोई संपन्न स्टेज होती है जो शिव समान बन जाती है. दैट द सोल अटेन्स सच अ कंप्लीट स्टेज एज वेल दैट इट बिकम्स इक्वल टू शिव. शिव नहीं बनती.
इट डजंट बिकम शिव. शिव समान बन जाती है. इट बिकम्स इक्वल टू शिव. निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बन जाती है. देह का कोई अहंकार नहीं. इट बिकम्स इनकॉर्पोरियल, वॉइसलेस एंड ईगोलेस. इट डजंट हैव एनी बॉडीली ईगो. इसलिए सर्वोपरि निराकारी स्टेज के रूप में उस आत्मा की भारत में सार्वभौम पूजा साबित हो जाती है. दिस इज वाई दैट सोल इज प्रूव्ड टू बी यूनिवर्सली वर्शिप्ड इन भारत एज द फॉर्म विद द हाईएस्ट इनकॉर्पोरियल स्टेज. भारत और दुनिया की जो भी जमीन की खुदाइयां हुई हैं, उनमें लिंग मूर्तियां 7 से ज्यादा मिली हैं. लिंग मूर्तीज हैव बीन फाउंड द मोस्ट इन ऑल द एक्सकवेशंस मेड इन भारत एंड द वर्ल्ड. इससे वो मूर्ति सार्वभौम साबित होती है. बिकॉज ऑफ दिस दैट मूर्ति इज प्रूव्ड टू बी यूनिवर्सल. वो निराकार अव्यक्त मूर्ति का वर्णन गीता में भी आया हुआ है. अव्यक्त मूर्तिना. द डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट इनकॉर्पोरियल अव्यक्त मूर्ति इज मेंशन्ड इन द गीता टू एज अव्यक्त मूर्तिना. दैट इज कॉर्पोरियल पर्सनालिटी विद सटल और इनकॉर्पोरियल स्टेज. अर्थात उस अव्यक्त मूर्त शिवलिंग के द्वारा सारा संसार चाहे जड़ हो चाहे जंगम हो दोनों ही प्रकार का संसार उस अव्यक्त मूर्ति ज्योतिर्लिंगम के द्वारा उत्पन्न होता है. इट मीन्स थ्रू दैट अव्यक्त मूर्त शिवलिंग द एंटायर वर्ल्ड वेदर इट इज इनर्ट और लिविंग बोथ टाइप्स ऑफ वर्ल्ड्स ओरिजिनेट थ्रू दैट अव्यक्त मूर्ति ज्योतिर्लिंगम दैट इज द लिंग ऑफ लाइट. मेरे भक्त कौन है? Who are my devotees? शिव के पुजारी. The worshippers of Shiv. क्या? What? कौन से मंदिर में जाके पूजा करते हैं? In which temple do they go and worship? है? शिवलिंग की पूजा करते हैं शिवालय में जाकर. They go to Shivalaya, that is temple of Shiv, and worship Shivlingam. वो है मेरे पुजारी. They are my worshippers. लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर पूजा करते हैं वो है देवताओं के पुजारी. Those who go to the temple of Lakshmi Narayan and worship them are the worshippers of deities. और थर्ड क्लास पुजारी है जो भूत प्रेत बनने वाले कम कलाओं वाले देवताओं की पूजा करते हैं. And the third class worshippers are those who become ghosts and spirits, the deities with fewer celestial degrees. वो भूतों के उपासक. They are the worshippers of ghosts. यही बात गीता में बोली है. क्या? This itself is said in the Gita. What? मेरे भक्त मुझे ऊंचते ऊंचे भगवंत से प्राप्ति करते हैं. My devotees attain attainments from me, the highest of the high God. देवताओं के पुजारी देवात्माओं से प्राप्ति करते हैं और भूत प्रेतों के पुजारी भूत प्रेतों से प्राप्ति करते हैं. The worshippers of deities attain attainments from deity souls, and the worshippers of ghosts and spirits attain attainments from ghosts and spirits. तो किसका पुजारी बनना है? So whose worshipper do you have to become? है ऊंचते ऊंच को पकड़ना है या बिचौलियों को पकड़ना है? Do you have to catch the highest of the high or the middlemen? है भक्त हनुमान की पूजा करता है. Students, the highest of the high. A devotee worships Hanuman. हनुमान राम की पूजा करता है. राम शंकर की पूजा करता है. शंकर शिव को याद करता है. हनुमान वर्शिप्स राम. राम वर्शिप्स शंकर एंड शंकर रिमेम्बर्स शिव. अरे
अरे जब मालूम है कि ऊंचे से ऊंचा करतार कौन है तो उसी को पकड़ना चाहिए ना। When you know who the highest of the high kartar is, you should just catch him, shouldn't you? तो समझो मेरे भक्त कौन है? शिव के पुजारी। So understand who are my devotees? They are the worshippers of Shiva.